CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए मित्रों, अब चलते हैं कक्षा 5 की ध्वनि शाला में। इब्तदाई उर्दू, जमात 5, सबक 2, नादान कछुआ। बच्चों, आपने कहानी बहुत सारी पढ़ी होंगी। पिछली जमातों में आप कई कहानियां पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि कहानी जो है हमें सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस कहानी का एक पहलू है। वो पहलू ये कि कहानी हमें इसलिए दिलचस्प लगती है कि हमारा ज़ौक़े तजस्सुस जो है वो कायम रहता है। ज़ौक़े तजस्सुस यानी हमारी जो क्यूरियोसिटी है, जो क्यूरियोसिटी वो बनी होती है कि फिर क्या होगा, अब क्या हुआ होगा। और फिर उस कहानी का कुछ मकसद होता है जो आखिर में जाहिर होता है। जब हम पूरी कहानी को सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं, तब हमें ये मालूम होता है कि इस कहानी से हमें क्या नसीहत मिली या क्या सबक हमें मिला है। क्योंकि अगर आपको सीधे साधे अंदाज में या बराह रास्त नसीहत की जाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी चीज़ों को ज़ाहिर करने के लिए या ऐसे सबक को ज़ाहिर करने के लिए या ऐसी नसीहत को ज़ाहिर करने के लिए कहानी का अंदाज़ इख्तियार किया जाता है। और हर कहानी किसी न किसी मकसद को ज़ाहिर करती है। आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। कहानी का नाम है नादान कछुआ। कहानी में जो जाहिर किया गया है वो ये कि हम अपने दोस्तों की किस तरह से आपस में मदद करते हैं। आइए पहले इस कहानी को पढ़ लेते हैं। एक तालाब का पानी आईने की तरह साफ और शफाफ था। वहां दो बगुले और एक कछुआ रहता था। तीनों में बेहद दोस्ती थी, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। अचानक उनकी दोस्ती को जमाने की नजर लग गई, यानी तालाब रोज बरोज खुश्क होने लगा, जिसकी वजह से बगुलों को परेशानी होने लगी, क्योंकि वो उसी तालाब के पानी से अपनी ग़िज़ा हासिल करते थे। जब उन्होंने देखा कि पानी के बगैर जीना मुहाल है, तो मजबूरन उस तालाब को छोड़कर कहीं और जाने का इरादा किया। जाने से पहले बगुले गमगीन दिल और भीगी आँखों के साथ कछुए के पास आए और उससे रुख्सत चाही। कछुआ भी उनकी जुदाई के ख्याल से रो पड़ा और बोला, तुम ये कैसी खबर सुना रहे हो? मैं तुम्हारे बगैर कैसे जी सकूंगा? तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त न होगी और मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। बगुलों ने कहा, हमारा दिल भी तुम्हारी जुदाई के ख्याल से बैठा जा रहा है। मजबूरी यह है कि पानी के बगैर हमारा जीना मुश्किल, इस वजह से हमने परदेश जाने का इरादा कर लिया है। कछुआ बोला, दोस्तों, तुम जानते हो कि पानी की कमी मुझे तुमसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है और मेरी भी गुजर बसर पानी के बगैर नामुमकिन है। दोस्ती का तकाजा यह है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं इस वीराने में तन्हा कहां रहूंगा? उन्होंने कहा, प्यारे दोस्त, तुम्हारी जुदाई हमारे लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त होगी। हम जहां भी रहेंगे तुम्हारे बगैर खुश नहीं रह सकेंगे।
हर वक्त तुम्हें याद करते रहेंगे, मगर क्या करें, हमारा दूर तक जमीन पर चलना और तुम्हारा हमारे साथ हवा में उड़ना दोनों नामुमकिन है। फिर हमारा तुम्हारा साथ कैसे हो सकता है? कछुआ बोला, इसकी कोई तदबीर सोचो, मेरे जहन में तो कोई बात नहीं आती। बगुलों ने कहा, इसकी एक तरकीब है, लेकिन शायद तुम नहीं कर पाओगे। कछुए ने कहा, यह कैसे मुमकिन है कि तुम मेरे लिए कोई तदबीर सोचो और मैं उस पर अमल ना करूं? बगुलों ने कहा, हम तुम्हें हवा में उठाकर उड़ सकते हैं, शर्त यह है कि तुम किसी भी हालत में बात नहीं करोगे। हर शख्स जिसकी नजर हम पर पड़ेगी हमारे बारे में कुछ ना कुछ जरूर कहेगा। तुम कैसी ही बात क्यों ना सुनो और कैसी ही हरकत क्यों ना देखो, अपना मुंह बंद रखना और अच्छी बुरी कोई बात जुबान से ना निकालना। कछुआ बोला, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर, मैं रास्ते में बिल्कुल मुंह ना खोलूंगा। बगुले एक पतली और लंबी सी लकड़ी लाए। कछुए ने उसे दरमियान में मजबूती से अपने दांतों में पकड़ लिया। बगुलों ने दोनों जानिब से उस लकड़ी को अपनी अपनी चोंच में ले लिया। जब बुलंदी पर उड़ते हुए उनका गुजर एक गांव के ऊपर से हुआ तो लोग इस मंजर को ताज्जुब से देखने लगे और चीखने लगे कि देखो देखो, बगुले कछुए को कैसे ले जा रहे हैं। सब तरह तरह के फिक्रे चुस्त करने लगे। कछुआ ये सब देखकर कुछ देर तक तो खामोश रहा, आखिर उससे न रहा गया, झल्ला कर बोला, जिनसे देखा नहीं जाता अपनी आंखें बंद कर ले। जैसे ही उसने मुंह खोला, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा बगुलों ने आवाज दी, दोस्तों का काम नसीहत करना है और नेक बख्तों का काम उस पर अमल करना। तो ये कहानी कितनी दिलचस्प है और किस तरह से पूरे वाक़े के ज़रिए ये बताया गया है कि अगर कोई हमदर्द नसीहत करे तो उसे गौर से सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। इससे हमें ये नसीहत मिलती है, क्योंकि अगर कछुआ मुंह नहीं खोलता तो वो ज़मीन पर नहीं गिरता, लेकिन उसने तो अपने दोस्तों की बात मानी ही नहीं और वो बहकावे में आ गया जब नीचे से लोग अलग अलग तरह की बातें कहने लगे। तो वो जैसे ही उसने मुंह खोला, वो जाहिर है लकड़ी छूट गई और वो ज़मीन पर गिर गया। यहाँ पर ये कहानी हमें ये जाहिर करती है कि हमें जो नसीहत दी जाए उसे गौर से सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। आपने देखा कि इसमें जो दो तीन अल्फाज आए हैं, एक है कछुआ, एक है भीगी आँखें यानी भीगी, देखो, झल्ला कर, मुंह खोला, रखना। तो ये जो अल्फाज हैं इसमें कुछ ऐसी आवाजें हैं जो मुरक्कब आवाजें, मुरक्कब आवाजें या मखलूत आवाजें। मखलूत आवाज़ वो होती है जिसमें एक साथ दो आवाज़ें शामिल हों। आपने जब हुरूफ़ तहज्जी पढ़ी होगी वहाँ पर ये ज़िक्र आया होगा कि हर आवाज़ की एक शक्ल मखसूस होती है जिसे हम हर्फ कहते हैं और वो हर्फ मुफ़रद हर्फ कहलाता है। यानी किसी एक आवाज़ के लिए एक हर्फ
मखसूस है और वो हर्फ उस आवाज की तहरीरी शक्ल को जाहिर करता है। लेकिन कुछ आवाजें ऐसी हैं जो मखलूत आवाजें, जिसको हम हकारी आवाजें कहते हैं, भ, फ, थ, ठ, झ, ध, झ, छ, ध, ये इस तरह की जो आवाजें हैं ये मखलूत आवाजें कहलाती हैं और इनको अदा करने के लिए हम जीम और दो चश्मी हे के जरिए इन आवाजों को जाहिर करते हैं, यानी हर्फ और उसके साथ दो चश्मी हे या हाय मखलूत जिसको हम कहते हैं। तो एक हे है जो वाहिद हो आवाज अदा करती है ह की, और एक हाय मखलूत कहलाती है जो मखलूत आवाजों की अदायगी या मखलूत आवाजों के लिए इस्तेमाल की जाती है। हमारे पास जो हे हैं वो तीन किस्में होती हैं, एक हाय मखलूत यानी दो चश्मी हे कहलाती है, दूसरी सूरत होती है हाय मलफूज यानी वो हे जब पूरी तरह तलफ्फुज में आए, जैसे हंसना, हंसना, कहना, यहाँ हे की पूरी आवाज अदा हो रही है। तीसरी सूरत हाय मख्तफी की है, हाय मख्तफी यानी आखिर में ये हे आती है और पूरी आवाज इसकी अदा होती है, जैसे दीवाना, दर्जा। इस तरह तीन हे इस्तेमाल की जाती है, इसका आप ख्याल रखिएगा। इसमें कुछ ऐसे अल्फाज आए हैं जो अलग माने रखते हैं, जैसे हुक्म सर आंखों पर होना, जब दोस्त उसको हिदायत देते हैं या नसीहत करते हैं तो कछुआ कहता है तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर, मैं रास्ते में मुंह ना खोलूंगा। हुक्म सर आंखों पर, अब हुक्म तो कोई ऐसी चीज नहीं होती है जो हम कहें कि हमारे सर पर या हमारे आंखों पर रख दी जाए। यानी इन अल्फाज के जो लुगवी मानी हैं वो ना हो करके हम इनको दूसरे माने में इस्तेमाल कर, हुक्म सर आंखों पर यानी इस बात का इकरार करना कि हम आपकी नसीहत या आपकी बात पर अमल करेंगे, यानी जैसा आप कह रहे हैं, जो नसीहत कर रहे हैं या जो हुक्म दे रहे हैं वो हम उसी तरह से उसके पाबंद रहेंगे या उसका उसी तरह से उस पर अमल करेंगे। एक लफ्ज़ और आया, नज़र लगना। अब नज़र तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जो लगती है। आपने इसमें शुरू में पढ़ा कि अचानक उनकी दोस्ती को ज़माने की नज़र लग गई। ज़माने की नज़र क्या है? नज़र लगना यानी किसी के काम को खराब हो जाना, तो वो नज़र लग गई। फिक्रे चुस्त करना, फिक्रे यानी अलग अलग तरह के जुमले, जुमले जो है वो फिक्रे, कोई बातें इस तरह की जुमलों की शक्ल में कही जाती हैं। और चुस्त करना यानी उस पर थोपना या चिपकाना। फिक्रे तो चुस्त नहीं किए जा सकते अगर असल माने में देखें, तो ये महावरा है। तो इस तरह के जो अल्फाज होते हैं या अल्फाज का जो मजमुआ होता है उनको हम महावरा कहते हैं, और ये महावरे जो हैं वो असल माने जो उन अल्फाज के मजमुए के होते हैं वो ना हो करके दूसरे मानों में या मजाजी माने में इस्तेमाल किए जाते हैं। आसमान से बातें करना, आसमान पर दिमाग होना, ज़मीन आसमान के कुलाबे मिलाना, आसमान गिरना,
आसमान से जुड़े हुए और भी बहुत सारे मुहावरे, यानी आसमान से बातें करना, आसमान पर दिमाग होना, जमीन आसमान के कुलाबे मिलाना, आसमान गिरना, या और भी इसी तरह की चीजें हो सकती, आसमान सर पर उठा लेना। तो ऐसे बहुत सारे मुहावरे हैं जो किसी चीज या किसी जगह या किसी जिस्म के किसी हिस्से से जुड़े हुए होते हैं, और वो अलग अलग तरह से होते हैं। जैसे आँख, आँख से जुड़े हुए बहुत सारे मुहावरे, आँख दिखाना, आँख छिपाना, इस तरह के जुमले। तो ये इस तरह के और अल्फाज आप तलाश कीजिए, उनसे जुड़े हुए जो मुहावरे हैं उनको भी अपनी डायरी में लिखिए, अपनी नोटबुक में तहरीर कीजिए, और ये देखिए कि किस तरह से इनको इस्तेमाल किया जाता है, यानी किन मानों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। हकीकी मानी नहीं बल्कि मजाजी मानी या दूसरे मानों में इनका इस्तेमाल होता है। और फिर जब आपके पास ये तमाम मुहावरे जमा हो जाए, फिर आप इनका अपने बातचीत में, अपनी गुफ्तगु में इस्तेमाल कीजिए कि किस तरह से इनका मुनासिब इस्तेमाल होता है, इस पर गौर कीजिए। इस सबक में कुछ अल्फाज और आए हैं, जैसे जवाब, गमगीन, खुश्क, भलाई, दोस्त, मौत, खुश्क वगैरह, इनके मानी हैं, ये हकीकी मानों में इस्तेमाल होते हैं। जवाब यानी किसी बात को जवाब देना, खुश्क यानी सूखा, भलाई अच्छाई। क्या हम इनके दूसरे माने बता सकते हैं? दूसरे माने यानी उल्टे माने, या इनके अपोजिट जिसको हम कहते हैं, वो माने या वो अल्फाज तलाश कर सकते हैं। जैसे भलाई, भलाई के लिए बुराई, जवाब सवाल, दोस्त दुश्मन, मौत जिंदगी, इस तरह के अल्फाज को हम मुतजाद अल्फाज कहते हैं। मुतजाद यानी जिद से जो बने हुए। भलाई की जिद बुराई है, मौत की जिद जिंदगी है। तो जो जिद से जाहिर करते हैं उन्हें हम मुतजाद अल्फाज कहते हैं। इसमें कुछ और भी अल्फाज हैं जिसको फेल या जिसको कहते हैं जमाने को जाहिर करते, जो जमाने को जाहिर करते हैं उनको भी हम इसमें इस्तेमाल देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि किस तरह से उनका इस्तेमाल किया गया है। जा रहा है, जा रहा था, जाएगा, यानी ये वो अल्फाज हैं जो काम के होने को जाहिर करते हैं। इसका ताल्लुक फेल से, काम का होना। तो ये जो जमाना है वो जाहिर करता है कि ये माजी का है, माजी यानी वो गया था या वो जा रहा था। वो जा रहा है यानी हाल में, उसको हम जमाने हाल कहते हैं, या वो जाएगा जिसको हम मुस्तकबिल कहते हैं। तो मुस्तकबिल, माजी और हाल, ये तीन जमाने हैं जिसमें हम अल्फाज को रख कर बात करते हैं या जिनका इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है। तो आज हमने इसमें जो कहानी का जो खुलासा है उसको समझा, और उसका जो मकसद है वो हमने देखा। तीसरी चीज़, इसमें ज़बान का इस्तेमाल किस तरह से, यानी इस कहानी को किन अल्फाज में जाहिर किया गया है, यानी जुमले किस तरह से लिखे गए हैं,
एक तालाब का पानी आईने के तरह साफ और शफाफ था। साफ मतलब बिल्कुल गंदगी से पाक था, बिल्कुल साफ। और शफाफ चमकता हुआ, जिसको मतलब बिल्कुल आर पार नजर आ रहा हो, शफाफ था। गमगीन, भीगी आंखें, ये अल्फाज भी इस्तेमाल हुए हैं जो मुरक्कब अल्फाज हैं। यानी गमगीन, भीगी आंखें या भीगी आंखों से, वो आंखें जो भीगी हुई थी यानी जिसमें आंसू निकल रहे थे। ये अल्फाज भी इसमें हमने इन पर गौर किया। साथ ही हमने हाय मखलूत, हाय मलफूज, हाय मुख्तफी के बारे में भी मालूम किया। महावरों के बारे में मालूम किया कि महावरों को जुमलों में जब इस्तेमाल किया जाता है तो उनकी सूरत क्या होती है, किस तरह से उनका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ महावरों को जुमलों में इस्तेमाल करते वक्त उसमें जो फेल शामिल होता है, यानी जो फेल के अल्फाज होते हैं, उसको भी ज़माने के लिहाज से बदला जाता है या उसमें तब्दीली की जाती है। ख्याल रहे कि इस ज़माने के लिहाज से ही नहीं बल्कि जिंस, वाहिद और जमा के लिहाज से भी करते हैं। जिंस यानी किसी मुज़क्कर का मुअन्नस क्या होगा या मुअन्नस का मुज़क्कर क्या होगा, वो जिंस से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे लड़का, लड़की। वाहिद जमा यानी एक वाहिद और एक से ज़्यादा जमा, उस एतबार से भी जुमलों की शक्लें बदलती हैं, यानी फेल की जो सूरत होती है, उसका जो ज़माना होता है, वो बदला जाता है। हमने इन तमाम चीज़ों के बारे में सीखा और जाना। अब इस इबारत को एक मरतबा फिर पढ़िए। पढ़ने के बाद इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनको जमा कीजिए और उस पर गौर कीजिए। साथ ही इसी तरह का कोई वाक़या या कोई किस्सा या कोई कहानी आपने सुनी हो, आप उनको अपने अल्फाज में पेश करने की कोशिश कीजिए। आप पहले एक कहानी तरतीब दीजिए, कहानी की शक्ल उसको दीजिए और फिर अपने साथियों को, अपने दोस्तों को सुनाइए, फिर उनके मशवरों की रोशनी में उसमें तरमीम व इजाफा कीजिए। साथ ही इसको तहरीर भी कीजिए और तहरीर करते वक्त जुमलों की तरतीब का ख्याल रखिए, अल्फाज के इस्तेमाल का ख्याल रखिए। जब आप इतना काम कर लें तो फिर इस इबारत में जो महावरों का इस्तेमाल मुमकिन है उन महावरों को तलाश कीजिए और उनके ज़रिए अपनी इबारत को और ख़ूबसूरत बनाइए। जुमलों की साख्त का लिहाज रखना बहुत ज़रूरी है, वो ज़माने के एतबार से भी हों, जिंस के एतबार से भी हों, वाहिद व जमा के लिहाज से भी हों, उसका फेल जो है वो ज़माने के लिहाज से बदला हुआ उन्हें सही होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को अगर आप जहन में रखेंगे तो आप एक अच्छी इबारत लिख सकेंगे। और हाँ, ख्याल रहे जुमले आपके आसान होने चाहिए, सादा होने चाहिए और छोटे जुमले होने चाहिए। बड़े जुमले वो जुमले होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा बातें कह दी जाती हैं। हम चीज़ों को जोड़ते हुए कई जुमलों को मिलाकर एक बड़ा जुमला लिखते हैं और उसमें जो मुश्किल पेश आती है वो ये कि जो बात हम कहना चाहते हैं वो मफहूम वहाँ पर वाज़ह नहीं होता। न सिर्फ ये कि हम अपनी बात को ठीक से नहीं कह सकते बल्कि जो पढ़ने वाला है उसको भी समझने में कोफ्त होती है, दुश्वारी होती है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे और अपनी इबारत को और ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे। इबारत को लिखने के बाद एक मर्तबा उस पर फिर गौर कीजिए और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ काट छाँट कीजिए, तरमीम व इजाफा कीजिए, तब्दीली कीजिए। ये तमाम काम जो है अपनी
एक से ज्यादा मर्तबा जब इबारत को पढ़ेंगे तो अपने आप उसमें समझ में आएंगे, क्योंकि जुमले आसान हैं, रवानी भी होनी चाहिए, यानी पढ़ते वक्त उसमें कहीं कोई रुकावट पेश ना आए या इस तरह का एहसास ना हो कि हम अटक जाएं। तो ये चीज़ें ख्याल रखने की हैं, हम चाहे ज़ुबानी तौर पर कोई बात कह रहे हों, कहानी हो, कोई किस्सा हो, कोई वाकया हो, कोई माजरा हो, ये तमाम चीज़ें जब हम ज़बानी तौर पर भी बयान करते हैं तो जुमलों पर गौर करते हैं, और तहरीर में तो हम और ज़्यादा गौर करते हैं। यहाँ एक चीज़ और अर्ज़ करता चलूँ, वो ये कि बोलने की ज़बान और तहरीर की ज़बान में फ़र्क होता है और इस फ़र्क का हमें लिहाज रखना चाहिए। कहानी बयानिया नसर का हिस्सा है, यानी सुनने सुनाने से ताल्लुक रखती है। सुनने सुनाने का मामला वो होता है जहाँ पर हमारा सुनने वाला जो है वो हमारे सामने मौजूद हो। तहरीर जहाँ पर सुनने वाला सामने मौजूद ना हो, तो दोनों का अंदाज भी मुख्तलिफ होता है। इस बात का आप ख्याल रखेंगे और जब अगली जमातों में आप पहुंचेंगे तब इस पर तफसील से आप मालूम करेंगे कि तहरीरी ज़बान और ज़ुबानी तौर पर बोले जाने वाली जो ज़बान है उसमें क्या फ़र्क है, तहरीर में हमें किन आदाब का लिहाज रखना पड़ता है, तहरीर के पैराए कौन कौन से हैं, कौन कौन सी सूरतें हैं जिसमें हम नसर को लिखते हैं, जिनको हम नसर की मुख्तलिफ असनाफ कहते हैं। असनाफ यानी अलग अलग तरीक़े इजहार की सूरतें। कहानी भी होती है, नावल भी होता है, दास्तान भी होती है, किस्सा भी होता है, सवानह भी होती है, ये तमाम जो है वो नसर की मुख्तलिफ असनाफ है, यानी मुख्तलिफ तरीक़े हैं इजहार के, और हर एक सिन्फ का अपना उसूल होता है, कुछ आदाब होते हैं जिसके तहत वो उसकी शिनाख्त को जाहिर करते हैं। यहाँ सबक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। शुक्रिया साथियों, अभी आपने सुना पाठ्यक्रम पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता, ध्वनियांकन शानू मुक्सीम और विकास सांगवान, निर्माण वंदना अरिमर्दन। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय CIET NCERT न्यू दिल्ली इंडिया।